बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से सियासत गर्मा रही है। जहां एक तरफ कुर्सी जाने के बाद बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार को अपने निशाने पर ले रही है, तो वहीं अब अपने नेता भी परेशानी को बढ़ाने में लगे हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस त्याग पत्र की वजह को लेकर असमंजस बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की टिप्पणियों की हो रही है। इन बयानों में वो विरोधियों पर बरसने की बजाय अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस हल्ला बोल के बीच अब उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने अपना त्याग पत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा है। अब इस कदम के बाद सियासत में सवाल भी उठने लगे हैं कि सुधाकर सिंह ने पद छोड़ने का फैसला क्यों लिया, क्या वो अपनी सरकार से खुश नहीं है, क्या वो राजनीति में नई राह को तलाशेंगे। इन सवालों के जवाब पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आरजेडी के दिग्गज नेता जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह ने त्याग पत्र की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। दरअसल सुधाकर सिंह महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सुधाकर सिंह ने खुले मंच से बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को उनका सरदार कहा था। उनके इस बयान को लेकर खूब बवाल हुआ था। वहीं कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर जब उनको टोका, तो इस पर सुधाकर सिंह बैठक से उठकर चले गए थे। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार से कृषि रोड मैप को भी आड़े हाथों लिया था। इस घेराबंदी के बीच अब उन्होंने पद छोड़ दिया है, जिससे सरकार में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि क्या सरकार में इस्तीफा मंजूर होता है या फिर कोई नया कृषि मंत्री बनता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।